हेलो फ्रेंड्स, अगर आपने भी यूट्यूब पे ये दो सेटिंग्स नहीं कर रखी हैं तो आपका चैनल भी कभी भी ग्रो नहीं करेगा। तो यूट्यूब को ग्रो करवाने के लिए और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइबर और वॉच टाइम गेन करने के लिए आपको भी ये यूट्यूब की कुछ सेटिंग्स करनी होंगी जो मैं आप लोगों को दिखाने वाला हूँ। अगर अभी तक आपने ये सेटिंग्स नहीं की हैं तो आज इस वीडियो को कम्प्लीट देखना बिना स्किप के। मैं आपको बताऊँगा कि मैं कौन सी सेटिंग्स की बात कर रहा हूँ और कैसे इसको करना है। जैसा कि आपको स्क्रीन पर मेरे चैनल के नेम के नीचे एक मतलब बड़ा सारा लोगो या थंबनेल दिखाई दे रहा है, अगर ये वाला आपने नहीं लगाया हुआ है तो आपको मैं अभी बता देता हूँ कैसे क्या लगाते हैं। उसके अलावा आपको यहाँ पे पॉपुलर अपलोड्स की एक लिस्ट दिखाई दे रही होगी, तो जितने भी पॉपुलर अपलोड्स होते हैं वो यहाँ से कैसे करते हैं, इनको कैसे दिखाई देता है, ये लिस्ट कैसे क्रिएट करते हैं, तो ये जानकारी आपको इस वीडियो में मिलने वाली है। तो वीडियो होने वाला है काफ़ी ज़्यादा नॉलेजेबल, तो बिना स्किप ही आपको एंड तक जरूर देखना है। तो चलिए मैं आपको ले चलता हूँ अपने ब्राउजर पे। वैसे तो अभी यूसी ब्राउजर को बंद कर दिया गया है, अगर आपके मोबाइल में अभी चल रहा है तो आप उसको यूज कर सकते हैं। मेरे मोबाइल में चल रहा है तो मैं आपको उसी के द्वारा समझाने वाला हूँ। तो अपने को अपना चैनल यहाँ पे यूसी ब्राउजर के अंदर ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद आपको यहाँ पे दो ऑप्शन दिखाई देने वाले हैं, कस्टमाइज चैनल और यूट्यूब स्टूडियो। तो आपको यहाँ पे कस्टमाइज चैनल के ऊपर क्लिक कर देना है। और जैसे कस्टमाइज चैनल के ऊपर क्लिक करोगे, नेक्स्ट विंडो जैसे ओपन होती है तो आपके सामने यहाँ पे एक दिखाई देगा ऑप्शन। यहाँ पे जैसे मैं आपको जूम करके दिखा देता हूँ, तो यहाँ पे आप देख सकते हो फॉर रिटर्निंग सब्सक्राइबर्स और फॉर न्यू विजिटर्स, यहाँ पे दो ऑप्शन आपको दिखाई दे रहे हैं। तो फर्स्ट वाले ऑप्शन का मतलब होता है जब आपके चैनल पे कोई नया विजिटर आता है और आपको उसको सब्सक्राइब कर लेता है आपके चैनल को, उस टाइम आपको या मतलब आपके सब्सक्राइबर को ऐसा इंटरफेस दिखाई देने वाला है। अगर कोई न्यू आता है आपके वीडियो पे, यहाँ पे न्यू विजिटर आता है पहली बार, तो उसको ऐसा इंटरफेस आपको दिखाई देने वाला है। तो ऐसे आप दो वीडियोज यहाँ पे लगा सकते हो। तो लगाना कैसा है, अगर पहले से ऐड किए हुए हैं तो आपको ऐसा इंटरफेस दिखाई देने वाला है, अगर ऐड किया हुआ नहीं है तो आपको यहाँ पे कॉर्नर पे जरा सा क्लिक करना है और यहाँ पे आपको पेंसिल का सा निशान दिखाई देने वाला है। इसके बाद आपको यहाँ पे जूम करके बता देता हूँ, अगर ये आपने पहले से डाला हुआ नहीं है तो आपको यहाँ पे ऐड का ऑप्शन दिखाई देगा, तो इसको कर देते हैं एडिट। और एडिट करके आप यहाँ से नई लिस्ट में से कोई भी वीडियो यहाँ पे चूज कर सकते हैं, जैसा कि स्क्रीन पे आपको दिखाई देने वाले हैं आपके अपलोडेड वीडियोज। तो कोई भी वीडियो यहाँ से सेलेक्ट करके सेव कर सकते हैं। तो मैं अभी यही रखने वाला हूँ। सेम आपको यहाँ पे फॉर न्यू विजिटर्स के अंदर करना है, हल्का सा कॉर्नर पे क्लिक करके पेंसिल के निशान पे क्लिक कर देना है और चेंज ट्रेलर या रिमूव ट्रेलर का यहाँ पे ध्यान देते हुए अपने को यहाँ से चेंज कर लेते हैं। तो ये तो हुई बात फीचर कंटेंट की, नेक्स्ट बात कर लेते हैं पॉपुलर अपलोड्स कैसे लगाते हैं। तो पॉपुलर अपलोड्स लगाने के लिए नीचे की साइड में स्क्रॉल डाउन करने पे नीचे एक सेक्शन दिखाई देगा, ऐड ए सेक्शन। तो यहाँ पे क्लिक कर देना है ऐड ए सेक्शन के ऊपर, और यहाँ पे आपको ओपन होगा कंटेंट और लेआउट के बारे में। तो यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना है कंटेंट, आप देख सकते हो ऊपर ही ऊपर आपको यहाँ पे ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं कौन कौन से आप यहाँ पे सिलेक्ट करना चाहते हो, पॉपुलर अपलोड्स, अपलोड्स लाइव नाउ, अपकमिंग लाइव स्ट्रीम्स, पास्ट लाइव स्ट्रीम्स। तो जितने भी आप जो भी यहाँ पे क्रिएट करना चाहते हो, चैनल ऐड करना चाहते हो, सब कुछ यहाँ से ऐड होने वाला है। उसके बाद ऐड करने के बाद आप यहाँ से इसको हॉरिजॉन्टल या कैसे भी रख सकते हो आप इसको, तो और उसके बाद आपको कर देना है यहाँ पे डन पे क्लिक। और जैसे ही डन पे क्लिक करोगे वो लिस्ट आपकी क्रिएट हो जाएगी, और जैसे लिस्ट क्रिएट हो जाएगी तो ऐसा इंटरफेस आपको दिखाई देने वाला है। अगर लिस्ट को आप ऊपर या नीचे करना चाहो तो यहाँ पे कॉर्नर पे हल्का क्लिक करने के बाद आप देख सकते हो एक तीर का निशान आएगा, उसके ऊपर क्लिक करके आप इसको ऊपर या नीचे कर सकते हो। तो चलिए मैंने ऐसा कर दिया है। तो उम्मीद करता हूँ ये सेटिंग आप सीख गए होंगे, और अगर सीख गए हैं तो चैनल पर कर लेना, क्योंकि इससे आपको बहुत ज़्यादा फायदा मिलने वाला है। काफ़ी सारा वॉच टाइम और व्यूज इसी के द्वारा आपको गेन होने वाला है, क्योंकि जब भी कोई नया मतलब आपके चैनल पे नया सब्सक्राइबर आता है तो सबसे पहले आपको उसकी वीडियो दिखाई देने वाली है, या फिर जो भी वीडियो आप यहाँ पे लगा के रखोगे वो आपको उसको दिखाई देने वाली है। तो उस हिसाब से आपको काफ़ी बेनिफिट होने वाला है। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो अच्छा लगा होगा, तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर देना चैनल पर नए हो तो, और कमेंट भी करके जाना।